हेलो गाइस, डेली न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कल के ईसीएल के मैच के बारे में। तो कल के मैच में हमको मुनावर वर्सेस एल्विस यादव देखने को मिले, जहां पर मुनावर की टीम को हरा दिया एल्विस यादव जी ने। हां, आपके सामने मैच समरी स्कोर कार्ड है, यहां आप देख सकते हैं कौन कैसा खेला, सब आपके सामने आपने लाइव भी देखा होगा। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं, मुनावर जब बैटिंग कर रहे थे तो उनको कैच आउट किया एल्विस यादव ने और उनको सेंड ऑफ करते हुए नजर आए। और सेकेंड इनिंग्स में हमको देखने को मिला कि एल्विस यादव जीरो में आउट हुए। और मैच में हमको एक चीज और देखने को मिला, जी हाँ, एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि एल्विस यादव को थ्रेट्स आ रहे थे और मैच को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। एक फुटेज काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, आप देखें। अंदर से टीम से खबर आई और कहाँ बोला भाई, ग्राउंड खाली कर दिया गया है, टीम अंदर भेज दी गई सारी। एल्विस आर्मी पूरी, एल्विस की जो हंटर्स टीम है उसको पूरा अंदर भेज दिया गया है। अब ये पता नहीं क्या हुआ है। बेल इसके बाद माहौल काफी ज्यादा बदल गया था और पुलिस भी आ गई थी भाई, आप देख सकते हैं ग्राउंड में। तो इस चीज पे आप लोगों का क्या मानना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। मैं आपको बता दूं, फुकरा इंसान की जो टीम है बेंगलोर बैसर्स अभी भी क्वालिफाई कर सकती है ईसीएल में। कैसे बताऊंगी, पहले बात कर लेते हैं मैच के बारे में। हर्ष बेनीवाल और फुकरा इंसान का जो मैच हुआ था, जी हाँ, यहाँ पे आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। और क्या ही पिटाई हुई भाई बॉलर्स की, आज देख लो भाई 220 प्लस रन बन गए हैं। यही नहीं, मैच के बाद कॉन्फ्रेंस भी हुआ जहाँ पे थगेस बैठे थे और थगेस से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, थगेस उन सब का आंसर भी देते हैं। थगेस से क्या क्या पूछा गया और थगेस क्या कहते हैं आप देखें। तो आज के हारने को लेकर आप किसे जो है कि आप ठहरा रहे जिम्मेदार? देखो अगेन बोलिंग ही ज्यादा वीक हो गई थी। अगर हम देखें सेकंड इनिंग्स में भी प्रेशर में खेले बैट्समैन, लेकिन स्टिल 185 बन गए थे डिसेंट, बट बोलिंग में बहुत कंसीड किए, 6 छक्के खाना आम बात नहीं है। एंड उसके बाद भी नॉर्मल ये बहुत बहुत रन पड़े बॉलर्स को, तो आई थिंक मेनली बॉलिंग ही जिम्मेदार। आज आप थोड़ी शॉर्ट पिच बॉल डाली थी, थोड़ा सा ज्यादा बॉल डाली थी, सिर्फ सेम बॉल। हां एग्जैक्टली, यस शॉर्ट। अगर ये कंटीन्यूअसली तीसरा मैच आप हार गए, तो अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, थोड़ा सा आप बताएं क्या करेंगे ऐसा कि भाई जीते, इस हार को जीतने में बदले, नेक्स्ट मैच से पहले मैच करें। हां नेक्स्ट मैच अभी हम लोग एंजॉय करने के लिए खेलेंगे, मेनली आई थिंक वो लैग कर रहा है, बहुत स्ट्रेस में आगे खेल रहे हैं सारे लोग, तो आई थिंक हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा एंजॉय करके खेले गेम को और बेटर इंटेंट। और यही नहीं, ब्लॉग भी देखने को मिला हमें डिंपल आंटी के चैनल पे, जिसमें फुकरा इंसान की फैमिली मैच देखने आई थी। तो यस, प्रेरणा जी रिएक्ट करती हुए आई अभिषेक के ऊपर, क्या कहते हैं आप देखें। मुबारक हो आपका बेटा हार गया फिर से। मुबारक हो, डेढ़ ओवर पहले हार गए। एक मिनट, मैंने सोचा था मैं बोलूंगी कर विजय अग्निपथ अग्निपथ, अब मैं कहूंगी कोई बात नहीं, अब तो आदत सी है मुझको। अब हमें आदत पड़ गई है। वेल डन, बहुत अच्छा लगा हार के, बहुत अच्छा लगा। ज्यादा देर नहीं हमें वेट कराया, हार की तो लगी रहती है। ओ भाई बस, बहुत ज्यादा इसको सांत्वना दे दी, कभी जीत हमें भी पता लगे जीत क्या होती है। एक काम कर, हमेशा हारने आते हैं, एक काम कर, हमारा दिल नहीं है, एक काम कर तू हमारी टीम से बैटिंग कर। You badly need me. राधे इसको बैटिंग पक्का ही बोल सकते हैं, इन्हें मार देंगे। जीत का मजा नहीं दिलाता, पर लोगों के प्यार का मजा तो। तो बात करते हैं कि बेंगलोर बैसर्स कैसे क्वालिफाई हो सकती है। तो भाई देखो, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि टॉप 4 टीम है वो क्वालिफाई करेगी, टॉप की 2 टीम है वो सेफ रहेगी और नीचे की 2 टीम में ही भाई लड़ाई होने वाली है। तो यहाँ पर भाई बेंगलोर बैसर्स को मेक श्योर करना पड़ेगा वो अपने बाकी के मैच जीते, और उनको भाई दूसरे टीम पे डिपेंड भी होना पड़ेगा कि इससे हार जाए वो उससे हार जाए, किसी को भाई 3 मैच हारने पड़ेंगे, तभी फुकरा इंसान की टीम के चांसेस बढ़ सकते हैं आगे पहुंचने के लिए। अब उसके बाद अगर पॉइंट अगर सिमिलर भी हो जाते हैं किसी के साथ, तो भाई इनका नेट रन रेट का गेम आएगा और वहाँ पे को हिसाब किताब करना पड़ेगा कि भाई हमको कैसा मैच जीतना है, कितनी मार्जिन से जीतना है, तभी बेंगलोर बैसर्स है वो क्वालिफाई हो पाएगी। 6 टीम में से 4 ही आगे जा पाएगी। आपको क्या लगता है वो 4 टीम क्या क्या हो सकती है, और आपको क्या लगता है बेंगलोर बैसर्स वापसी कर पाएगी 3 मैच हारने के बाद? तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।